संभल। प्रदेश की योगी सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के भरसक प्रयास कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ लोग बेखौफ होकर भ्रष्टाचार फैलाने में लगे हैं। ऐसा ही एक मामला उस समय सामने आया जब एक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री बच्चों में बंटने वाली खाद्य सामग्री को ब्लैक करते पकड़ी गई। प्रधान की सूचना पर पकड़ा गया माल पुलिस की कस्टडी में है और आरोपी के विरुद्ध कार्यवाही की तैयारी चल रही है। मामला मूसापुर ईसापुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री शाहिस्ता से जुड़ा बताया जा रहा है। ग्राम प्रधान के मुताबिक शक होने पर खाद्य सामग्री सराय त्रीम के मोहल्ला कोटला को ले जाई जा रही थी, जिसकी सूचना प्रधान ने पुलिस को दे दी और कालाबाजारी के लिए ले जाई जा रही राशन सामग्री को मोहल्ला कोटला सराय त्रीम थाना हयातनगर से हयातनगर थाना पुलिस ने पकड़ लिया है। राशन से लदी ई रिक्शा में 4 बोरी गेहूं, 2 बोरी दलिया और चने की दाल व 15 किलो रिफाइंड बताया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों को मामले की सूचना दे दी गई है। CDPO का कहना है कि विभागीय अधिकारियों से बात करके मामले की जांच कर दोषी के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाएगी। खबर लिखे जाने तक मामला दर्ज नहीं हो सका था। गौरतलब है कि भ्रष्टाचार का यह मामला देश के भविष्य कहलाने वाले छात्र छात्राओं से जुड़ा है, जो राशन सामग्री ब्लैक की जा रही थी वो आंगनबाड़ी केंद्र पर पढ़ने वाले बच्चों के लिए सरकार द्वारा प्रदान की जाती है, लेकिन ब्लैक करने वाले तत्वों को इस बात से कोई सरोकार नहीं है। यूपी या कोई अकेला मामला नहीं है, इससे पूर्व भी जनपद में कई बार इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। UFT लाइव TV के लिए LK भारद्वाज की रिपोर्ट। कहाँ जा रहे हैं? हाजीपुर और राजनपुर। अच्छा, इसका आंगनबाड़ी होगा? आंगनबाड़ी होगा। अच्छा, चलो ठीक है।